मिड डे मील के गेहूं में गड़बड़ी और कालाबाजारी की शिकायत को लेकर जिला कलेक्टर ननुवल पहाड़िया और एसडीएम ओपी सहारा, सहायक कलेक्टर अनिल सिंगल सहित अन्य अधिकारी रीको स्थित मिड डे मील के गेहूं के गोदाम पहुंचे, जहां देर शाम तक अधिकारी स्टॉक की जांच में जुटे रहे। एसडीएम सहारण ने बताया कि कलेक्टर को मिड डे मील के गेहूं के गोदाम से गेहूं की कालाबाजारी करने, स्कूलों में भेजे जाने वाली गेहूं की बोरी से गेहूं निकालने की शिकायत मिली थी। इस पर सोमवार शाम को मिड डे मील के गोदाम में छापामार कार्रवाई की, जहां देर शाम तक अधिकारी गेहूं की बोरियों की गिनती करने और गेहूं से संबंधित दस्तावेजों की जाँच करने में जुटे रहे। सामान है तो गेहूँ वगैरह जो भी स्कूलों में भिजवाया जाता है, उसकी यहाँ स्टॉक पहले यहाँ होके आगे उसका फिर सप्लाई होता है, तो इसमें कोई स्टॉक में कोई गड़बड़ी जैसे निकले, मान लो वो। धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट में गोपनीय शाखा में सोमवार को 3 युवकों को गोपनीयता दस्तावेजों की फोटोग्राफी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। तीनों युवक बसेड़ी क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कलेक्ट्रेट धौलपुर की अति गोपनीय मानी जाने वाली आर्म्स शाखा से कार्मिक ब्रजमोहन कुलश्रेष्ठ व प्रदीप कार्य कर रहे थे। इसी दौरान 3 युवक ऑफिस में घुस आए। इनमें से एक युवक ने कुलश्रेष्ठ को बातों में उलझा लिया, दूसरा कुछ दस्तावेज देखने लगा। इसी दौरान तीसरे युवक ने गोपनीयता दस्तावेजों के चोरी छुपे फोटो खींच लिए, जिसे कार्यालय कर्मी ब्रजमोहन कुलश्रेष्ठ ने फोटो खींचते देख लिया। ने युवकों से पूछा तो पहले तो युवकों ने खुद को पत्रकार बताया और बाद में आरटीआई कार्यकर्ता। इसे लेकर युवकों की कार्मिक से नोकझोंक भी हुई। मामले की सूचना कुलश्रेष्ठ ने कोतवाली थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। तीनों युवक बसेड़ी क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। आज 3 लड़के सलीमपुर के परमार के थे, नाम मैं जानता नहीं, कार्यालय में आए और उन्होंने इस गोपनीय शाखा का फ़ोटो खींचने की कोशिश की, मोबाइल में फ़ोटो भी खींच लिए और गोपनीय शाखा की जानकारी चाह रहे थे। इनको यहाँ रोका गया है और इनके लिए न्यायालय थाने के लिए फ़ोन कर दिया गया कार्रवाई के लिए। क्या सूचना नहीं थी जिससे कि मेरा निश्चय कर सकें। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के गांव गढ़ी जखौदा में कुख्यात बदमाश दशरथ सिंह ने करीब 2:30 बजे बदमाशों के साथ दिन दहाड़े एक परिवार पर धावा बोल दिया। दस्यु घर में आग लगाने के धमकी देने के साथ पीड़ित के चल रहे निर्माण को बंद कराकर चला गया। पीड़ित ने पुलिस को घटना से अवगत कराया, लेकिन पुलिस के पहुँचने से पूर्व ही बदमाश फरार हो गए। पशुबाड़े में राजमिस्त्री निर्माण कार्य कर रहे थे, तभी अचानक पड़ोस के गाँव गढ़ी जखौदापुरा निवासी दस्यु डकैत दशरथ सिंह गुर्जर करीब 10 बाइकों पर 18 लोगों को साथ लेकर आ धमका, जिनमें से 8 लोगों के पास बंदूक और अन्य के पास लाठियां थी। पीड़ित मुन्ना ने घटना की सूचना कंचनपुर थाना पुलिस को दी, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जिला कंट्रोल को सूचित कर बसेड़ी बाड़ी सैपो कंचनपुर थाना पुलिस के साथ कोबरा पुलिस फोर्स के साथ गाँव के घेराबंदी कर दबिश दी, लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं लगा है। उधर दस्यु के खौफ से गाँव गढ़ी जखौदा में दहशत का माहौल बना हुआ है। पीड़ित परिवार के साथ अन्य ग्रामीण भी खौफ के साए में बने हुए हैं। बांध रखी थी और जैसे ही दूध निकाल के हम फ्री हुए तो दशरथ 4-5 लोग अन्य थे उसके साथ में, एक दशरथ था, पांचों पे हथियार बंद थे सब लोग और उसके 2 परिवार के लोगों पे थे परिवार के लोग। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रांतीय आह्वान पर नई पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी परिभाषित पेंशन योजना लागू किए जाने, 7वां वेतन आयोग केंद्र के समान लागू करने सहित 11 सूत्री मांग पत्र एवं राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों को लेकर आंदोलन के द्वितीय चरण में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए गए। ज्ञापन देने वालों में मुन्ना बाबू पाठक, राम गोविंद शर्मा, विशाल गिरी, राम नरेश ठाकुर दास शर्मा, ओम प्रकाश, सुरेश चंद शर्मा, ओम प्रकाश गुर्जर, अरविंद सिंह, हरी सिंह राणा, रमाकांत गालव, अविनाश अग्रवाल, अनुज गर्ग, रामेश्वर सिंह, अशोक शर्मा, लक्ष्मी नारायण, नवल सिंह, इशाक खान, मनोज भट्ट, रणविजय यादव, नत्थीलाल त्यागी, सत्यनारायण शर्मा, जयवीर सिंह, कैलाशी प्रसाद, ब्रजमोहन शर्मा, भगवान सिंह सैनी, बच्चू सिंह गोस्वामी, प्रमोद त्यागी, राजेंद्र प्रसाद शर्मा आदि तमाम शिक्षक शामिल थे। धौलपुर जिले में हो रही बारिश ने सभी कस्बे, शहर एवं ग्राम पंचायतों की पोल खोल रख दी है। चाहे वह ग्राम पंचायत का गौरव पथ हो या अन्य गली मोहल्ले की गलियां या शहर की सड़कें हों,
सभी कीचड़ और जल भराव में तब्दील हो गई हैं। हम बात कर रहे हैं धौलपुर जिले के कंचनपुर, जो जिले में बरसों पहले ODF का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, लेकिन गांव का आलम यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा गौरव पथ का निर्माण करा तो दिया गया है, लेकिन ग्राम पंचायत में बेरुखी रवैये के चलते नाला निर्माण नहीं होने से गाँव की अधिकांश गलियाँ कीचड़ में तब्दील हो गई है और जगह जगह पानी और कीचड़ के तालाब जैसे भरे हुए नजर आ रहे हैं। गांव के सरकारी स्कूल के सामने जल भराव होने से बच्चों एवं अध्यापकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पढ़ाई की व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो रही है। लंबे समय से गौरव पथ पर कीचड़ और पानी जमा होने के कारण मच्छर सहित अन्य बैक्टीरिया भी पनप रहे हैं, जिसके चलते आने वाले समय में बीमारियों का भी खतरा मंडरा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि मोदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता की धज्जियां उड़ती हुई साफ नजर आ रही हैं। जो बरसात का पानी है वो सब आके इकट्ठा हो जाता है, विद्यालय के अंदर पानी आ जाता है। इस पानी की निकासी के लिए कोई नाली नहीं बनी है, ना कोई नाला है, ये सारा पानी इधर ही आता है। पूरे गाँव का पानी यहाँ पे स्कूल के सामने आके इकट्ठा होता है, पानी है तो। और छोटे छोटे बच्चे आते हैं और पानी में गिर जाते हैं, नाली बन जाए सबसे बढ़िया काम हो जाए। फिल्म नायक के अभिनेता अनिल कपूर के एक दिन के मुख्यमंत्री का किरदार सभी को याद होगा। अब कुछ इसी तर्ज पर धौलपुर में रामकिशन पुत्र भागीरथ निवासी बाजना को एक दिन का मानक जिला प्रमुख चुनकर नई पहल शुरू की है। 424 आवेदनों में से रामकिशन का चयन 4 साल की बच्ची ने लॉटरी के जरिए किया। जानकारी के मुताबिक भाजपा नेता और जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह जादौन ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत चयनित युवा को एक दिन का मानक जिला प्रमुख बनाया जाएगा। हर माह ऐसा करने का निर्णय किया है। इसके तहत पहले माह जिला प्रमुख बनने के लिए 424 युवाओं ने आवेदन किया। ये आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन किया गया। जिला प्रमुख नवाचार कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों में से लॉटरी के माध्यम से 4 साल की बच्ची ने लॉटरी निकालकर जिला प्रमुख का चयन किया। पहले माह रामकिशन पुत्र भागीरथ निवासी बाजना का चयन हुआ है। इस लॉटरी प्रक्रिया को गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष पूरा की गई। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह त्यागी, जितेंद्र सिंह राजौरिया, शिक्षाविद राम अवतार सिंह, प्रदीप ठाकुर, अविनाश शर्मा, राघवेंद्र उपाध्याय आदि थे। तो मैंने आज के दिन लॉटरी के द्वारा, एक बच्ची के द्वारा लॉटरी निकाली गई। एक रामकिशन सन ऑफ भागीरथ बाजना राजाखेड़ा रहने वाले के लॉटरी में नाम निकला है, उसको एक दिन का पूरा मौका मिलेगा। मैं एक दिन उसके सहायक के रूप में काम करूँगा। उसको एक दिन पूरा जिला परिषद में बैठकर जिला परिषद की गतिविधियाँ, जिला परिषद की कार्यशैली देखने का मौका मिलेगा कि किस तरीके से ग्राम पंचायत स्तर तक सरकारी योजना पहुँचती है। बसई नवाब कस्बे के मनिया मार्ग पर एक ढाबे के पास हो रहे बजरी के अवैध स्टॉक होने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। उधर बजरी माफिया को पुलिस के आने की भनक लग गई, तभी उसने चंबल रेता के ऊपर लाल बजरी डालकर छुपाने की कोशिश भी की। अवैध रूप से हो रहे चंबल रेता के स्टॉक की ग्रामीणों के द्वारा की गई शिकायत पर इसकी सूचना पाकर बसई नवाब चौकी पुलिस के कुछ जवान मौके पर पहुंचे। इस मामले में थाना प्रभारी धर्म सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि अवैध रेता की सूचना वन विभाग को दे दी गई है, लेकिन देर शाम तक मौके पर कार्रवाई करने के लिए न तो वन विभाग की टीम पहुंची और न ही थाना पुलिस ने कार्रवाई की। रायाखेड़ा क्षेत्र के खुड़ला ग्राम पंचायत के गांव गड़पुरा में रविवार शाम को एक बच्ची लापता हो गई, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस सूचना के बाद से ही भाग दौड़ में लग गई, लेकिन सोमवार को बच्ची अपनी रिश्तेदारी में मिली, तब जाकर पुलिस और परिजनों ने राहत की सांस ली। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत खुड़ला के गांव गड़रपुरा निवासी महेश कुमार दीक्षित की नाबालिग बच्ची रविवार शाम 6 बजे लापता हो गई। इस पर बच्ची के परिजनों ने 2 नाम दर्ज लोगों के खिलाफ थाने में पुलिस को तहरीर दे दी, लेकिन सोमवार को बालिका अपनी रिश्तेदारी में मिल गई। सोमवार को बाड़ी कस्बे के ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा से रुपए निकालकर बाइक से घर जा रहे रुपए निकालने और जरूरी कागजात के गायब होने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित उपभोक्ता ने बाड़ी थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले में जांच की बात कर रही है। पिछले एक माह में बैंक के आसपास यह तीसरी वारदात हुई है।
इससे पहले भी कई बैंकों के आसपास ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं लगाया जा सकता है। जानकारी के अनुसार गजपुरा गांव निवासी सरनाम सिंह गुर्जर पुत्र अजमेर सिंह गुर्जर ने किसी काम से 70,000 रुपए निकाले थे। बसेड़ी रोड तक अपने एक मिलने वाले से बातचीत करते हुए आए, जहाँ से बाइक द्वारा सीधे अम्बेडकर पार्क की ओर जाने लगे, लेकिन जब तक गर्ल्स स्कूल के पास आकर पीछे निगाह डाली तो उनकी बाइक साइड में लगे बैग से पिट्ठू बैग गायब मिला। इस पर उन्होंने तुरंत बाइक को पीछे वापस किया और बैंक तक बैग को देखा, लेकिन बैग का कोई सुराग नहीं लगा है। घटना को लेकर बैंक से सीसीटीवी फुटेज निकाले गए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़ी कोतवाली मुरारीलाल मीणा के निर्देश पर ट्रैफिक इंचार्ज ओम प्रकाश चौधरी ने कस्बे के रेलवे क्रॉसिंग चौराहे बसेड़ी रोड और अम्बेडकर पार्क पर दो पहिया और चार पहिया वाहनों की चेकिंग की और बिना लाइसेंस बीमा कागजों की कमी मिलने पर 22 वाहनों के चालान काटे। इस दौरान लोगों को जाम न लगने से भी काफी राहत मिली। धौलपुर जिले में श्रावण मास के पहले सोमवार का इंद्रदेव ने जमकर स्वागत किया। आसमान से गिर रही श्रावण की फुहारों में राष्ट्रीय पक्षी मोर ने भी जमकर नृत्य किया। वहीं श्रावण मास के पहले सोमवार पर भोले भंडारी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी तादाद में शिव मंदिरों पर जुटी रही। शिवालय हर हर महादेव की ध्वनि से गुंजयमान रहे। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने सैपऊ महादेव, चोपड़ा वाले महादेव, निहालेश्वर, मार्कंडेश्वर, सैपऊ महादेव, अचलेश्वर सहित अन्य शिवालयों में पहुंचकर बेलपत्र, धतूरा और दूध से भगवान की शिव आराधना की। और विशेषकर सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और चारों ओर हरियाली के साथ मल्हार शुरू हो जाती हैं। जिले के शिव मंदिरों में बम बम भोले और हर हर महादेव के मंत्रोच्चारण के बीच भक्तों ने भगवान शिव पर दूध, जल, शहद और बेलपत्र चढ़ाकर परिवार के लिए हरा भरा होने की मनौती मांगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर का दो दिवसीय जिला स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर 28 व 29 अगस्त को बयाना रोड स्थित JLN कॉलेज बसेड़ी में आयोजित किया गया। शमशेर चौहान ने बताया कि ये परिषद का महाअभियान 30 जुलाई से 4 अगस्त तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष गौरव परमार, मोनू परिहार, उपेंद्र, ब्रजेश बघेला, प्रशांत श्रीवास्तव, पुष्पेंद्र, गणेश पाल कुशवाहा, महेश, विकास, मोहित, आकाश, आयुष, आदित्य, इंसाफ, सूरज, सुखबीर और अन्य छात्र छात्राएं कार्यकर्ता मौजूद रहे। वसेड़ी कस्बे से 4 किलोमीटर दूर स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर सोमवार को बम बम भोले के जयकारे से गूंज उठा। सावन मास के पहले सोमवार को भक्तों का तांता लगा रहा। सोमवार को श्रद्धालुओं ने सबसे पहले पार्वती नदी में शाही स्नान किया। इसके बाद जलाभिषेक कर बेलपत्र चढ़ाकर शिवलिंग की पूजा की तथा घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। गौरतलब है कि यह भूतेश्वर मंदिर हजारों वर्ष पुराना है। बताया जाता है कि यहां पर भगवान श्री राम और लवकुश की लड़ाई के समय श्री राम द्वारा भगवान शंकर की आराधना करने पर शिवलिंग प्रकट हुआ तथा पार्वती माता के रूप में बहने वाली नदी में स्नान करने से मनोकामना पूर्ण होती है। राजस्थान में लगातार बालिकाओं के विरुद्ध दुष्कर्म एवं महिलाओं के उत्पीड़न अपराधों के नियंत्रण नहीं होने पर अपराधियों में कानून का भय नहीं होने से प्रदेश में महिलाओं में असुरक्षा की बढ़ती भावनाओं के कारण आज प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज एवं प्रभारी महासचिव बीना शर्मा के निर्देशन में प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र जिला कलेक्टर धौलपुर को दिया गया। बालिकाओं के विरुद्ध अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी ऐसे अपराधों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होने से राज्य विश्व पटल पर और भी ज्यादा शर्मिंदा होता है। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष लीना शर्मा के नेतृत्व में रिंकी वर्मा, अंबिका, पिंकी, समृद्धि, दीपमाला, श्रद्धा, राधा आदि महिलाओं ने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन पत्र लिखा है। सोमवार को अग्रवाल महिला मंडल की बैठक अध्यक्ष रागिनी अग्रवाल के निवास स्थान पर आयोजित की गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि दिनांक 12 अगस्त दिन रविवार को दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक अशोक विजय कॉम्प्लेक्स हरदेव नगर में हरियाली तीज के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम हरियाली तीज के अवसर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। जो भी महिलाएं इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहें वे 5 अगस्त तक निम्न से संपर्क कर सकती हैं। रागिनी अग्रवाल, क्रांति अग्रवाल, पुष्पा अग्रवाल। बैठक में अध्यक्ष रागिनी अग्रवाल, सीमा अग्रवाल, क्रांति अग्रवाल, इंद्रा, बबीता, सरोज, पुष्पा, मधु, मंगल, सुधा, ममता, सरता, अजय वंशल, प्रमोद सिंगल, मास्टर नेमीचंद सहित आदि समाज के लोग उपस्थित रहे।
सोमवार को गडरिया समाज महासभा संस्था राजस्थान द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ, जिसमें सभी की सहमति से राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष रिटायर्ड तहसीलदार महाराज सिंह बघेल के अनुमोदन से दुष्यंत सिंह बघेल पुत्र विजय सिंह बघेल को गडरिया समाज महासभा संस्था राजस्थान के युवा प्रदेशाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। साथ ही अपनी कार्यकारिणी घोषित कर प्रदेश स्तर पर युवा संगठन तैयार करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान सुरेश बघेला राजाखेड़ा, दिनेश बघेल, गौरव बघेला, रामनिवास बघेल, अशोक जाटौली, राजवीर भरतपुर, सुंदर सिंह भरतपुर, राकेश सिंह, दीपक बारा, राजेश कोलुआ, मनोज बघेल, विष्णु नदवई, कपिल बघेल जयपुर, संपद गाड़री, राजसमंद, राधेश्याम झालावाड़ आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन सैंपउ ऐतिहासिक शिव मंदिर पर अल सुबह से ही भारी तादाद में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है और मंदिर परिसर में बम बम भोले की गूंज से गुंजयमान हो रहा है। सुबह से ही क्षेत्र में बारिश की झड़ी लगी हुई है, इसके बावजूद भी शिवालय ऐतिहासिक शिव मंदिर पर धौलपुर जिले भर के अलावा कई राज्यों से यहां हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भगवान शिव के गर्भगृह में विराजमान पिंडी पर जल दुग्धाभिषेक के अलावा बिलपत्र अर्पित करने के बाद यहां लोग माथा टेक कर मनौती मांग रहे हैं। मंदिर पुजारी लोकेंद्र शर्मा ने बताया कि सावन मास भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। जल दुग्ध बिलपत्र आदि चढ़ाकर मनौती मांगते हैं, जिसकी भोले बाबा जहां इच्छा पूर्ति करते हैं। यहां भोलेनाथ जी का विशाल मंदिर है। सावन का महीना लग चुका है, जबकि पहला सोमवार है। काफी भक्तगण श्रद्धालु काफी संख्या में आ रहे हैं यहां पे। यहां पर माना जाता है बेलपत्रों का सबसे बड़ा महत्व है। लोग वक्त जल चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और यहाँ हजारों की संख्या में भक्तगण आ रहे हैं। बरसते हुए मौसम में भी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनयूसीआई के पूर्व जिलाध्यक्ष संदीप कंसाना को यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चांदना की अनुशंसा पर युवक कांग्रेस धौलपुर का कार्यकारिणी जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर एनयूसीआई के द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एनयूसीआई जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस के नेता अमित मुदगल रहे। इस अवसर पर योगेश शर्मा, फिरोज खान, रूपेश बघेला, कृष्णा सोलंकी, गौरव बघेला, राहुल करदम, अजय कुमार मौर्य, उदय सोलंकी, जीतू कंसाना, पवन गोरैया, जयपाल सिंह, प्रशांत वघेला सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोमवार को अग्रसेन नवयुग मंडल के द्वारा मंडल अध्यक्ष रवि गोयल दोपरा बालों के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हनुमान जी के मंदिर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष रवि गोयल ने पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की शुरुआत की है। सभी सदस्यों ने अपने जन्मदिन पर किसी सार्वजनिक स्थल पर एक पौधा लगाना जरूर होगा। सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वो अपने जीवन में विशेष अवसर पर वृक्षारोपण व रक्तदान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करें। जितेंद्र गर्ग, सौरभ मित्तल, आकाश गोयल, दीपक गर्ग, सोनू मित्तल आदि उपस्थित रहे। सोमवार को जनसेवक संगठन राजाखेड़ा के कार्यकर्ताओं द्वारा राजाखेड़ा में एक नई पहल का आगाज किया गया है। इसमें संगठन जनसेवक संगठन के कार्यकर्ता व विभाग के उपलक्ष्य में 251 वृक्षों का रोपण सदस्यों व नव दंपत्ति के साथ किया गया। संगठन अध्यक्ष ने युवाओं को इस तरह के कार्यों को करने के लिए कहा। सदस्यों ने नव दंपत्ति मूलचंद और उसकी धर्मपत्नी को इस तरह के कार्य में भाग लेने के लिए जनसेवक संगठन द्वारा साधुवाद दिया तथा और उनके सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामना दी गई। वृक्षारोपण कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह, मूलचंद, बीरेन सिंह, रविंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। वसेड़ी क्षेत्र के गांव बर्मन में नादनपुर पंचायत एवं अन्य क्षेत्रों के ब्राह्मण समाज के लोगों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें बैठक की शुरुआत भगवान परशुराम की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर ब्राह्मण सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सर्वसम्मति से ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा बर्मन, उपाध्यक्ष बंटी शर्मा कसियापुरा, कोषाध्यक्ष महावीर शर्मा नादनपुर, मुकेश शर्मा बांसरी को नियुक्त किया गया। इस दौरान बैठक में समाज के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।